मूवी के स्टार्टिंग में हम नेड को देखते हैं, उसके साथ उसकी वाइफ टोनी भी है। नेड एक राइटर है और वो अपने फार्म हाउस पर जा रहा है क्योंकि उसके डैड की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। लंबा सफ़र पूरा करने के बाद रात को वो घर पहुँचते हैं जहाँ वो शैली से मिलते हैं जो कि नेड की छोटी बहन है। नेड को देखकर शैली बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है क्योंकि आज वो 20 साल बाद घर लौटा है। शैली नेड से कहती है कि तुम डैड से कल मिल लेना, अभी वो सो रहे हैं। उसके बाद वो उन दोनों को कमरा दिखाती है। कमरे में आने के बाद टोनी को पता चलता है कि नेड का एक भाई भी था जिसका नाम क्लिफ था। उसके बारे में वो नेड से पूछती है कि वो तुम्हारा बड़ा भाई था या छोटा भाई, तो नेड थोड़ा कंफ्यूज होकर बोलता है कि वो मेरा बड़ा भाई था। रात को सोते टाइम नेड को ड्रॉअर में एक परफ्यूम मिलता है। वो जैसे ही उसे खोलकर स्मेल करता है, उसे तुरंत उसकी जुड़वा सिस्टर केट की याद आने लग जाती है और हम नेड का बीता हुआ पास्ट देख पाते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि नेड और केट का कुछ ज़्यादा ही क्लोज रिलेशनशिप था। इसके बाद हम टोनी को नेड के साथ इंटीमेट होते हुए देख पाते हैं। अगले दिन नेड को पुरानी यादें याद आने लगती है, उसकी बहन केट, उसका भाई क्लिफ और बहुत कुछ। फिर सुबह नेड अपने फादर ब्रूस से मिलता है जो कि बीमार थे और धीरे धीरे उनकी हालत और ज़्यादा ख़राब होती जा रही थी, उन्हें दिल की बीमारी थी। तभी टोनी को केट की फ़ोटो मिलती है और वो ब्रूस से पूछती है कि ये कौन है, तो ब्रूस कहता है कि ये मेरी बेटी है। तभी नेड बाहर चला जाता है जहाँ उसे फिर से केट की याद आने लग जाती है कि कैसे वो और केट साथ में वक्त बिताते थे। शैली नेड को कहती है कि मैंने तुम्हें यहाँ नहीं बुलाया, असल में डैड तुमसे मिलना चाहते थे, इसलिए उनसे अच्छी तरह से बात करो। बातों ही बातों में पता चलता है कि ब्रूस केट को बहुत प्यार करता था और आज भी वो उससे उतना ही प्यार करता है। घर पे टोनी एल्बम देख रही थी, तब वो ब्रूस से पूछती है कि क्या केट भी यहाँ पर आ रही है। तब ब्रूस कहता है कि वो और क्लिफ अब इस दुनिया में नहीं रहे। जब नेड और टोनी बाहर घूमने जाते हैं, तब टोनी नेड से पूछती है कि उनकी डेथ कैसे हुई थी। तब नेड कहता है कि एक कार एक्सीडेंट में। अब यहाँ आने के बाद नेड की रातों की नींद उड़ चुकी थी। उसे अपने भाई क्लिफ और केट की बहुत ज़्यादा याद आती थी, इसलिए अब वो उन यादों को एक बुक में लिखना स्टार्ट कर देता है। तो वहीं टोनी इस जगह से बोर हो चुकी थी क्योंकि यहाँ पर करने के लिए कुछ भी नहीं था, ये बस एक रेगिस्तान था। बस्ती या शहर यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर थी। तब नेड उसे खुश करने के लिए उसे झूले पर बैठाता है। फिर से उसे केट की याद आने लगती है और अनजाने में वो टोनी को नीचे गिरा देता है। इस वजह से टोनी और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। अब टोनी बहुत ही अकेला फील करने लगी थी क्योंकि नेड अपना ज़्यादातर टाइम बुक लिखने में ही बिताता था। तब नेड एक बार उसे मनाने के लिए उसके कपड़े उतारकर उसके साथ इंटीमेट होने लगता है, पर टोनी पहले से ही नेड से गुस्सा थी, इसलिए वो चिल्लाने लगती है जिस कारण नेड उस पर गुस्सा करता है, पर बाद में दोनों एक दूसरे से माफ़ी मांग लेते हैं। ब्रूस की हालत और भी ज़्यादा ख़राब होती जा रही थी, इस वजह से वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था, तो टोनी अब उसका ख्याल रखने लगती है। एक दिन जब नेड बाथरूम में फ्रेश होने के लिए जाता है, तब उसे याद आता है कि कैसे वो एक बार बाथरूम में चला गया था जब केट बिना कपड़ों के नहा रही थी। तब केट उस पर गुस्सा हो गई थी। जब वो बाहर आती है तो वो नेड से कहती है कि वो बहुत अकेला फील करती है और वो अपनी माँ को भी बहुत ज़्यादा मिस करती है। ये कहकर वो रोने लगती है, तो नेड उसे सहारा देने लगता है, लेकिन गलती से नेड का स्पम केट के हाथ के ऊपर गिर जाता है, जिस वजह से केट नेड से गुस्सा हो जाती है। एक दिन नेड देखता है कि टोनी उसकी बुक पढ़ रही है। अब नेड कुछ कर पाता उससे पहले ही टोनी को सब कुछ पता चल गया था कि नेड और केट का फिजिकल रिलेशन था। इस वजह से दोनों के बीच में बहस हो जाती है। इसमें नेड टोनी को एक थप्पड़ मारता है जिससे टोनी और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वहाँ से कार लेकर निकल जाती है। नेड उसे रोकने के लिए उसका पीछा करता है, पर वो नहीं रुकती। निराश होकर नेड कार की स्टेयरिंग पर अपना सिर मारता है। टोनी के यहाँ से चले जाने के बाद नेड टेंशन में बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक करता है और उसकी यादें उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी। और हम नेड और केट के बिताए हुए वक्त को देख पाते हैं। दरअसल ये लोग बस्ती से बहुत दूर रहते थे। जब ये बड़े हुए तो केट बहुत अकेला फील करने लगी, जिस वजह से केट और नेड में नज़दीकियाँ बढ़ने लगी थी, पर ये लोग कभी भी इंटीमेट नहीं हुए थे। एक बार नेड को याद आता है कि जब एक रात उसने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी, तब उसके सर पर चोट लग गई थी, तो वो पास के तालाब में स्विमिंग करने जाता है, तो उसके पीछे केट भी वहाँ आ जाती है और वो भी नेड के साथ स्विमिंग करने लगती है।
तब नेड केट से उस दिन के लिए माफ़ी मांगता है। केट कहती है कि कोई बात नहीं, मैंने आज तक किसी लड़के को किस तक नहीं किया और उस दिन जो हुआ वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। अब इसके बाद केट नेड को सेड्यूस करने लगती है, वो उसे किस करती है और तालाब के बाहर जाकर दोनों इंटीमेट होते हैं। पर इंटीमेट होने के बाद नेड को काफ़ी ज़्यादा गिल्टी फील होता है, पर केट को इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। पर नेड से जो भी हुआ था वो नशे की हालत में हुआ था, अगर वो होश में होता तो ऐसा कभी भी नहीं करता। अब अगले दिन केट नेड को अपने साथ चलने के लिए कहती है। नेड उसके साथ जाना तो नहीं चाहता था पर फिर भी वो जाता है। वहाँ जाकर केट नेड से कहती है कि आज रात हम फिर से स्विमिंग करने जाएंगे। नेड के मना करने के बाद भी केट जिद करने लगती है, इस वजह से दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है और नेड इस बार केट को साफ साफ मना कर देता है। उसके बाद नेड जब अपनी बहन शैली के साथ खेल रहा था तभी वहाँ केट आती है और नेड से कहती है कि तुम्हें क्लिफ बुला रहा है। इस बात से नेड बहुत ज़्यादा डर जाता है, उसे डर था कि कहीं केट ने उन दोनों के बीच जो हुआ वो क्लिफ को तो नहीं बता दिया। वो इस बारे में केट से भी पूछता है लेकिन केट उसका कोई भी जवाब नहीं देती। तो नेड क्लिफ के पास जाता है, क्लिफ पूछता है कि तुम केट के साथ क्या कर रहे थे। इस सवाल पर नेड गुस्सा हो जाता है और क्लिफ से कहता है कि अगर वो उसके साथ लड़ना चाहता है तो लड़ सकता है। फिर ये दोनों लड़ने लगते हैं। ये देखकर केट ब्रूस को आवाज़ लगाती है तो ब्रूस आकर इन दोनों को शांत करवाता है। केट कहती है कि इसमें नेड की गलती थी। ये सुनकर ब्रूस नेड को एक पनिशमेंट देता है। पनिशमेंट ये थी कि उसे केट को क्रिसमस पार्टी में ले जाना पड़ेगा, जो नेड को ना चाहते हुए भी करना पड़ता है, और वो उसे पार्टी में ले जाता है जहाँ केट नेड के लिए अपना प्यार जताती है। वो कहती है कि चलो कहीं बाहर चलते हैं, मुझे यहाँ पर मज़ा नहीं आ रहा। तो नेड कहता है कि चलो घर चलते हैं। तब केट साफ साफ मना कर देती है कि घर नहीं, कहीं और चलते हैं। यहाँ नेड उसके इरादे समझ गया था इसलिए वो उसे मना कर देता है और एक दूसरी लड़की को जाके किस करने लगता है, जिसे देखकर केट रोने लगती है और क्लिफ के साथ घर चली जाती है। यहाँ नेड उस लड़की के साथ इंटीमेट होता है और उसके बाद घर के लिए निकलता है, जहाँ रास्ते में वो क्लिफ की कार को देखता है जिसके अंदर वो देखता है कि केट मर चुकी है। इस इंसिडेंट से नेड एकदम से टूट गया था। पास के ही एक फैक्ट्री में उसे क्लिफ की भी लाश मिलती है जिसने खुदकुशी कर ली थी। नेड केट और क्लिफ की मौत का जिम्मेदार खुद को ही मानता है। उसे आज भी इस बात का पछतावा है कि कहीं ना कहीं उसी की वजह से केट का एक्सीडेंट हुआ था। वो ब्रूस से भी शर्मिंदा था कि उसने उसे केट का ख्याल रखने के लिए कहा था पर वो नहीं रख पाया। तभी वहाँ शैली आती है और उससे पूछती है कि कहीं तुमने डैड को तुम्हारे और केट के बारे में कुछ तो नहीं बता दिया। तब नेड ऐसे बिहेव करता है जैसे उन दोनों के बीच में कुछ हुआ ही नहीं था, लेकिन शैली कहती है कि उसे सब कुछ पता है। वो कहती है कि उसने उन दोनों को देख लिया था जब वो तालाब के पास थे। शैली को शक था कि केट का क्लिफ के साथ भी अफेयर था, पर नेड कहता है कि मुझे पता है कि ऐसा कुछ भी नहीं था। फिर नेड ब्रूस से माफ़ी मांगता है कि उस दिन मैंने केट का ख्याल नहीं रखा और उसे अकेला ही छोड़ दिया और मैंने आपकी बात भी नहीं मानी। अगली सुबह उसके डैड की मौत हो जाती है। वो उनका फ्यूनरल करता है और घर आकर उन सभी यादों को मिटा देता है जो भी उसने बुक में लिखी थी। उसके बाद वो अपने घर जाने के लिए निकल जाता है, जहाँ रास्ते में वो टोनी को मिस करता है और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। मूवी ये सस्पेंस छोड़ जाती है कि आखिर उस रात असल में हुआ क्या था। अगर शैली के हिसाब से देखें तो उसे लगता था कि क्लिफ का और केट का अफेयर था और शायद उस रात वो दोनों कार में इंटीमेट हो रहे थे जिस कारण उन दोनों का एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें केट मारी जाती है और उसी के सदमे में क्लिफ सुसाइड कर लेता है। आई होप कि आपको वीडियो की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो। ऐसे ही और मूवी की एक्सप्लेनेशन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।